की सबसे बड़ी खनन परियोजना है, जिसमें रांची, चतरा, लोहरदगा और हजारीबाग के 3,146 लाख हेक्टेयर में कोल ब्लॉक का फैलाव है। लेकिन जी बिहार झारखंड के हाथ लगी वन विभाग की इंटरनल रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। रिपोर्ट की माने तो देश की सबसे बड़ी खनन परियोजना से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि वन विभाग के प्रस्ताव में 1800 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खबर की तह तक जाती जी बिहार झारखंड की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। चार जिलों की प्रकृति को दांव पर रखने की साजिश, वन विभाग के प्रस्ताव में 1800 करोड़ की हेराफेरी, कोल कंपनियों को 1824 करोड़ का फायदा पहुंचाने की साजिश। कोल कंपनी के साथ मिलकर वन विभाग की काली करतूत। राज्य सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय जांच टीम, 3 महीने में सौंपी जाएगी सरकार को रिपोर्ट। वन विभाग द्वारा कोल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 1824 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, झारखंड के चार जिलों की प्रकृति और हरियाली को दांव पर रखकर वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोल कंपनियों के साथ मिलकर काली कमाई करने की साजिश रची है। राज्य सरकार के द्वारा बैठाई गई जांच इसकी पुष्टि कर रही है। दरअसल इस साजिश का खुलासा वन विभाग की आंतरिक जांच में हुआ। मामला नॉर्थ करणपुरा के केरेडारी कोल माइनिंग परियोजना से जुड़ा है। इस क्षेत्र में खनन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 2050 करोड़ की समेकित वन्य जीव प्रबंधन परियोजना बनाई गई थी। फाइल से वित्तीय दस्तावेज गायब कर योजना की लागत 225.25 करोड़ की कर दी गई, जिसकी गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। पर्यावरण के बारे में यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया गया, ना कोई लाभ दिया गया है लाभुक को। लाभुक जो नौजवान जो है सो काम के लिए बेरोजगार है ना, रोजगार के लिए वही बारे में मांगते हैं तो कोई रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। रांची, चतरा, लोहरदगा और हजारीबाग के 3,146 लाख हेक्टेयर में कोल ब्लॉक का फैलाव है। इसके 55,200 हेक्टेयर में तकरीबन 100 कंपनियों के आने वाले समय में खनन करने की संभावना है। कोल ब्लॉक के आवंटन से पहले खनन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना बनाई गई, क्योंकि वन विभाग के सर्वे के मुताबिक बड़े स्तर पर खनन के क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति, जल संपदा, वन्य जीवों का रास्ता और 5 लाख की आबादी चपेट में आएगी। लेकिन इलाके की अव्यवस्थित तस्वीर इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि योजना सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई है। नहीं, पर्यावरण की तरफ से कोई सुविधा नहीं किया गया है, उसके बारे में कुछ भविष्य के लिए नहीं सोचा गया है। हमारे क्षेत्र में इर्द गिर्द काफी इधर पेड़ पौधे हुए हैं, हाँ, या अभी उत्खनन जब होगा तो हमको लगता है कि सारा ये तहस नहस हो जाएगा। ये अभी विभागीय बंद है, जनता जब यहाँ माइंस आएगी और उस समय हम लोग को उचित मुआवजा मिलेगा, रोजगार की गारंटी होगी, तो हम लोग विरोध इसका नहीं करेंगे। सरकार द्वारा गठित जांच टीम की वजह से वन विभाग सवालों के घेरे में है। इस मामले पर वन विभाग के अधिकारी इससे गड़बड़ी मानने से ही इनकार कर रहे और सवालों से बचते दिखाई दे रहे। हालांकि उन्होंने ये बातें कहने से भी परहेज नहीं किया है कि जानकारी ली जा रही है, आखिर राशि को क्यों खटाया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को द्वारा वन भूमि को सेटल कर दिया गया निजी व्यक्तियों के साथ में, वो सारे पर कार्रवाई जारी है और वापस वन भूमि जो है वह लेने की कार्रवाई और उसके बंदोबस्ती है उसको रद्द कराने की कार्रवाई की जा रही है। भले ही अधिकारी सवालों से बचते दिखाई दिए, लेकिन वन विभाग की आंतरिक जांच में ही इसका खुलासा हुआ है कि जिस बात की तस्दीक वहां से मिले कागजात करते हैं वो सवाल ये हैं कि कोल कंपनियों को 1800 करोड़ का फायदा पहुंचाने की साजिश पर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है। कामरान जलीली, जी मीडिया।